आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। बीते एक दिन पूर्व एक महिला ने बैंकपुर थाना में सिंटू सिंह और उनके भाइयों पर आरोप लगाया था कि मारपीट करने का और पिस्तौल चमकाने का रेलवे के अवैध क्वार्टर पर कब्जा कर पैसा सुनने का मामला दर्ज कराया था। वही मामले में आज सिंटू सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर उन आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा, आप सभी जानते हैं, आप पुलिस से भी हम यही मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो ताकि इस मामले का खुलासा हो जाए। और मीडिया को बताया कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस उसको भी देखकर जांच कर सकती है, उसमें खुलासा हो जाएगा। कहीं ना कहीं पुराना रंजिश को लेकर के आप इस नंबर का डिटेल्स निकालिए, सारा गुत्था निकल जाएगा कि शेरू से उपेंद्र सिंह का बात हो रहा है और जिसके कहने पे ये उपेंद्र सिंह के कहने पे शेरू अपनी वाइफ को आगे करके हमको फंसाने का काम कर रहा है। आप इस नंबर का डिटेल निकालिए, चाहे हम ये नंबर नहीं निकाल सकते, शेरू की वाइफ और शेरू का नंबर निकालिए, उससे देखिए उस फैमिली का नाम उपेंद्र सिंह से कोई मतलब नहीं है। खुद से खुद कोई डिटेल्स निकलेगा, बात हो रहा है खुद अपने आप सामने आ जाएगी कहाँ फोन नंबर पर बात हो रहा है, तो जाँच कर सकते हैं। क्या मांग करेंगे धनबाद पुलिस? धनबाद पुलिस वही अधीक्षक से ये मांग कर रहे थे कि उच्च तरह का जाँच जो ये हम पे ब्लेम लगा उसमें हम उनका पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमें कल भी फोन आया था कि आप आइए थाने पे, हम जाएं अपनी बातों को रखें थाना प्रभारी साहब के सामने, किस्सा इस तरह का हमारे साथ हुआ है, हमने रखा तो रखें कि हम जाँच करेंगे। हमने क्या नाम है आपका? हमारा नाम।